राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों को खून के आंसू लाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहनों, आज किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे, भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसते हैं। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, लेकिन आज देश का किसान और मजदूर कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है।